इन दिनों कलर्स टीवी के सबसे फेमस शो बालिका वधू सीजन 2 में जग्या के कैरेक्टर में सेलेक्ट हुए अभिनेता समृद्ध बाबा ही लाइमलाइट में छाए हुए हैं, जहां पर दर्शक अब इन्हें शो में जग्या का मस्त मौला कैरेक्टर प्ले करता देखने के लिए 1 दिसंबर का इंतजार नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि बालिका वधू सीजन 2 सीरियल में जिगर के मेन लीड में सेलेक्ट होने वाले अभिनेता समृद्ध बाबा ऐसे ही फ्री फंड में टीवी पर फर्स्ट से अर्श तक नहीं पहुंचे, बल्कि इसके पीछे की कहानी और स्ट्रगल आपका दिल छलनी छलनी कर देगा। इनकी फर्स्ट से लेकर अर्श की कहानी के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, मगर हम आपको इस वीडियो में इन्हीं की फर्स्ट से अर्श तक की कहानी से रूबरू करवाएंगे। पर उससे पहले आप इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें। बालिका वधू सीजन 2 में जग्या का किरदार निभाने वाले अभिनेता समृद्ध बाबा का जन्म 22 नवंबर 1990 को दिल्ली में हुआ था और यहीं से इन्होंने अपनी सारी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट की है। लेकिन अगर बात करें इनके शुरुआती स्ट्रगलिंग करियर के बारे में, यानी कि इनके फर्स्ट से अर्श की कहानी के बारे में, तो हम बता दें जहां इन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई शुरू की थी, तभी इनके मन में ख्याल आया कि इन्हें एक्टिंग फील्ड में कदम रखना चाहिए, जिसके चलते ये अपना घर बार छोड़कर दिल्ली से मुंबई आ गए थे, वो भी एक एक्टर बनने का सपना लेकर। हालांकि मुंबई आते ही इनके किस्मत का ताला नहीं खुला था, बल्कि इन्होंने दिन रात ऑडिशन देकर अपने जूते चप्पल तक घिसवा लिए थे, जहां पर इन्हें महसूस हो गया था कि इनका यहां कुछ भी नहीं हो सकता। मगर इनकी किस्मत ने तब करवट बदली जब साल 2012 में इन्हें सोनी टीवी का शो क्या हुआ तेरा वादा में एंट्री करने का मौका मिला, जहां पर इन्हें एक छोटा सा कैरेक्टर रोहन कपूर को प्ले करने का मौका मिला था। हालांकि रोहन के किरदार से ये थोड़े बहुत मशहूर हो गए थे। जब इन्होंने रोहन का कैरेक्टर प्ले किया, तब इनके जान में जान आई और इन्हें लगा कि अभी एक और अच्छा कर सकते हैं। फिर और शोज के कुछ ऑडिशंस देने के बाद इन्हें कॉमेडी ड्रामा सीरीज द बडी प्रोजेक्ट में काम करने का मौका मिला, जिसे करके इन्होंने थोड़े ज्यादा पैसे और थोड़ा ज्यादा नाम कमा लिया था। और इन दिनों सीरियल्स में काम करने के बाद इन्होंने यूथ शो प्यार तूने क्या किया और मेरे रंग में रंगने वाली जैसे बेहतरीन सीरियल्स में अपनी अदायगी का जलवा बिखेरा। इन सभी सीरियल्स में काम करके समृद्ध बाबा ने थोड़ी बहुत मगर अच्छी पहचान छोटे पर्दे पर हासिल कर ली थी, जिसके बाद इन्हें एन टीवी चैनल के डायरेक्टर ने सामाजिक शो गंगा में भी काम करने का मौका दिया था। और इस सीरियल में एक साल तक काम करने के बाद इन्होंने साल 2016 का सीरियल एक श्रृंगार स्वाभिमान में भी अपने बेहतरीन अदायगी का नमूना पेश किया, जिसकी वजह से लोग इनके मुरीद हो बैठे थे। हालांकि इन सीरियल्स में भी काम करने के बाद इन्होंने फर्श से अर्श को नहीं छुआ था, पर फिर भी इन्होंने शो अग्नि फेरा और दिल से दिल तक में अपना अच्छा कंट्रीब्यूट करके कलर्स टीवी के ऑडियंस के बीच में अपनी खास पहचान बना ली थी। और इसलिए आज ये कहीं ना कहीं कलर्स टीवी पर ही कलर्स टीवी के बेहतरीन शो बालिका वधू सीजन 2 से जबरदस्त नेम और फेम हासिल कर रही हैं। इनके दमदार अदाकारी को देखकर ही इन्हें जगिया यानी कि बड़े जिगर का मेन कैरेक्टर निभाने का मौका मिला है, और जगिया यानी कि जिगर ही इनका ड्रीम कैरेक्टर भी है, जिसे प्ले करके ये उस कामयाबी को और उस फेम को हासिल कर पाएंगे जिसका सपना इन्होंने दिल्ली की ट्रेन में बैठकर मुंबई आते वक्त देखा था। तो दोस्तों, आपको अभिनेता समृद्ध बाबा के फर्श से अर्श तक की कहानी के बारे में क्या कहना है, आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी तरह की तमाम वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।